उत्तर बिहार में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अधिकतर जिलों में रबी फसल की बुआई देरी से शुरू हो रही है। ऊपर से खाद की किल्लत के कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। सरकार और जिला प्रशासन खाद का पर्याप्त स्टॉक होने का भले ही दावा करें, लेकिन खाद की दुकानों पर बड़ी मारामारी है। भीड़ में न सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, न कोई मास्क लगा रहा। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ पर अन्न के बिना मरने का खौफ किसानों पर भारी पड़ रहा है। जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड की बिस्कोमान की सरकारी दुकान पर अन्नदाता की ये जद्दोजहद देखकर कोई भी दुखी हो सकता है। किसान खाद की दुकानों पर अल सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग रहे हैं। मजबूरी और लाचारी ये है कि ठंड से बचने के लिए एक हाथ में चाय की केतली तो दूसरे हाथ में कंबल है। ठंड से घंटों ठिठुर कर लाइन में लगने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उन्हें डीएपी खाद का एक बोरा मिल जाएगा। सिंहवाड़ा प्रखंड के बिस्कोमान की सरकारी दुकान पर लाइन में लगे कई किसानों ने बताया कि खाद के लिए 10 दिनों से दौड़ रहे हैं, फिर भी अब तक एक बोरा खाद नहीं मिला। किसानों ने कहा कि भीड़ बढ़ने पर पुलिस लाठी चलाकर उन्हें हटाती भी है। स्थानीय किसान सूरज कुमार ने कंबल और चाय की केतली दिखाते हुए कहा कि 4 बजे भोर से ही डीएपी खाद के लिए लाइन में लगा हूँ, लेकिन अब तक खाद नहीं मिली। बड़ी बड़ी लाइन लगी हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। 4 बजे सुबह सब लोग खड़े हैं, चाय का केतली भी, कंबल भी, 4 बजे से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, चाय का भी केतली, कंबल है, सारी चीज हम लेके आ चुके थे। 4 बजे से यहाँ पे बैठे थे, हमें अभी तक खाद नहीं मिला है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है, भीड़ भड़का ज्यादा है। वहीं एक अन्य किसान विनय कुमार चौधरी ने बताया कि इस बार रबी के सीजन में बिना खाद के खेती कर रहे हैं। डीएपी के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि किसानों को पुलिस की लाठी तक खानी पड़ रही, लेकिन फिर भी स्टॉक खत्म हो जा रहा है, खाद नहीं मिल रही। हम लोग बिना खाद का खेती कर रहे हैं, बिना लाइन में आते हैं तो पुलिस डंडा लेकर के भगाता है। 4 बजे भोर से लाइन में लगे हुए हैं और कोई समस्या का यहाँ निदान उदान होने वाला नहीं है। न प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था हो रहा है और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। हम लोग बिना खाद का गेहूं बाव करते हैं और खाद आबो किया है तो शोक किल्लत के साथ ही यहां खाद किसी को नहीं मिल रहा है। संजीव चौधरी नाम के किसान ने बताया कि उनके बूढ़े पिता पिछले 10 दिनों से आकर लाइन में लगते हैं और हर रोज निराश होकर लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ जब ज्यादा बढ़ती है तो पुलिस आकर लोगों को हटा देती है। जो लोग आगे की पंक्ति में लगे होते हैं उनको भी पीछे कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 10 दिन मेहनत करने के बाद भी अब तक एक बोरा खाद भी नहीं मिल सका है। यहाँ पे जब भी आते हैं तो मारपीट हो जाता है, खाद नहीं मिलता है। 10 दिन आके आज 11वां दिन है, गए मगर एक भी बोरा नहीं हुआ। सुबह से लगे हुए हैं मेरे पापा और 7 बजे से अभी लाइन में पीछे लगाया है प्रशासन। पीछे लाइन लगने से होता है, आगे लगा हुआ को पीछे कर देगा। एक भी बोरा नहीं मिला है, एक भी बोरा नहीं। खाद की ये किल्लत और कोरोना और मौसम के बीच किसानों की जद्दोजहद दिखाता है कि हालात कितने विषम हैं। ऐसे में सरकार से यही उम्मीद है कि वो इस समस्या पे जल्द से जल्द ध्यान दे और किसानों को राहत मिले।